नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। धनतेरस के समय आ गए हैं। इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि धनतेरस में आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी है, धनतेरस का प्रारंभ क्या हो रहा है और धनतेरस का सही मुहूर्त क्या है और धनतेरस की मतलब क्या होते हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करें। धनतेरस, दिवाली का प्रारंभ यानी दीपावली का प्रारंभ धनतेरस के दिन से ही शुरू होता है और ये 5 दिन का पर्व मनाया जाता है। दीपावली से भैया दूज तक ये पर्व का मनाने का हम लोगों की परंपराएं हैं और हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को प्रारंभ होते हैं। धनतेरस से दिवाली, जो विश्व प्रसिद्ध हम लोग का त्यौहार है, बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, साथ साथ प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी जी की विशेष पूजा होती है। आयुर्वेद में धन्वंतरी जी का हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही बड़ा महत्व है। सबसे बड़े वैद्य के रूप में धन्वंतरी जी की पूजा होती है। पूरे भारतवर्ष में जितने आयुर्वेद के संस्थान हैं, जितने आयुर्वेद के फैक्ट्री हैं, जितने आयुर्वेद के मैन्युफैक्चरर हैं, धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की वहाँ पूजाएं अवश्य होती हैं। तो धनतेरस को लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर जी की पूजा और धन्वंतरी जी की पूजा मनाई जाती है। 2021 का धनतेरस 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन हो रहा है। 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनतेरस की पूजा होगी। धनतेरस में आदि काल से वस्तुएं खरीदने की परंपराएं हैं। प्रायः पहले सोना या चांदी खरीदा जाता था। आज के दिन भी सोने के जेवर, चांदी के सिक्के, चांदी के जेवर खरीदने की परंपराएं हैं, लेकिन ये महंगाई में, इतनी बड़ी महंगाई में सारे व्यक्ति, हमारे भाई बहनें जो बहुत कीमती वस्तु सोना चांदी प्लेटिनम खरीदने में असमक्ष हैं, उनके के लिए भी हमारे शास्त्र ने बहुत कुछ बताया है कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत लिया हुआ कलश की प्रतिमाओं की पूजा प्रायः देखी जाती है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उसे धन्वंतरी जी ही अपने हाथ में लेके बाहर आए। तो धनतेरस के दिन अमृत लिए हुए धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस को कम से कम आप कौड़ी, गोमती चक्र, झाड़ू और धनिया जरूरी अपने घर में खरीद के लाएं। धनिया, कौड़ी, गोमती चक्र और झाड़ू खरीद के लाने की परंपरा धनतेरस के दिन हमारे आदिकाल से चला रहा है। झाड़ू में ये ध्यान देने की बात है कि धनतेरस के दिन फूल के झाड़ू अपना खरीदें। फूल के झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही उचित नहीं माना जाता है, तो फूल के झाड़ू ना खरीदें।
और बांस से बना हुआ झाड़ू, बांस से बना हुआ झाड़ू भी धनतेरस को खरीदना प्रायः निषेध है। प्रायः देखा जाता है कि धनतेरस में हम लोग सोने चांदी गहने और सिक्के के अलावा भी बहुत चीज़ खरीदते हैं। मार्केट में स्टील का सामान बहुत ज़्यादा धनतेरस के दिन ये मॉडर्न युग में बिकने की परंपराएं हो गई हैं। स्टील भी लोहे के धातु से ही बनता है, तो लोहे का सामान भी धनतेरस में प्रायः लोग खरीदते हैं। परंतु स्टील में हमारे ज्योतिष शास्त्र में स्टील को राहु का कारक माना जाता है और धनतेरस के दिन शनि और राहु के कॉम्बिनेशन का सामान खरीदना ये उचित परंपरा नहीं है। शास्त्र के अनुसार स्टील का सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा उचित परंपरा नहीं है। तो धनतेरस में हम क्या खरीदें? धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा हम लोहे की कड़ाही खरीदें तो बड़ा ही ये शुभ माना जाता है। धनतेरस में हम पीतल के बर्तन अगर खरीदते हैं तो ये भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। धनतेरस में हम तांबे के अगर सामान खरीदते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो तांबा, पीतल, लोहे का सामान खरीदना, सोना चांदी प्लेटिनम का सामान खरीदना प्रायः धनतेरस के दिन उपयुक्त माने जाते हैं। 2021 का धनतेरस 2 नवंबर जो मंगलवार का दिन है, मंगल का दिन आप सभी को काफ़ी मंगलमय हो धनतेरस में, तो प्रायः ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन स्टील के सामान को अपने घर में अगर आप नहीं लाते हैं, स्टील के कोई भी सामान नहीं खरीदते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। धनतेरस में वाहन खरीदने की परंपरा बहुत ज़्यादा है, धनतेरस में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की परंपरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ याद रखने की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी सामान को रिप्रेजेंट करते हैं शनि और केतु। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक के सामान के दुकान में इतनी भीड़ रहती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। वाहन खरीदने की होड़ मची हुई रहती है, लेकिन हर कोई बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को नहीं खरीद सकते हैं, हर कोई वाहन नहीं खरीद सकते हैं। तो आप धनतेरस मंगलवार का दिन है, आप धनतेरस में पीतल, तांबा, चांदी, सोने का सामान ही ज़्यादा खरीदें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। पीतल के सामान को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बृहस्पति देव, तांबे के सामान को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सूर्य देव। तो तांबा पीतल इस साल धनतेरस में खरीदना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा शुभ है। किसी भी तरह का उजूल फजूल सामान हम अपने घर में लाना, फूल का झाड़ू अपने घर में लाना, ये कहीं से उचित नहीं होगा। और स्टील के वस्तुओं को भी खरीदना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। धनतेरस में कड़ाही जरूर खरीदें, लोहे की कड़ाही। कुछ नहीं आप खरीद सकते हैं तो कम से कम एक पीतल का दीपक जरूर घर में लाएं और उसी पीतल के दीपक से आप दीप प्रज्वलित करें। और कम से कम इस धनतेरस में आप 3 पीतल के दीपक आप जरूर खरीदें और तीनों पीतल के दीपक में शुद्ध घी से दीपक जलाएं, ये काफ़ी लाभमय है। धनतेरस में आपको क्या नहीं करनी है अब मैं इस पे चर्चा करता हूं। धनतेरस में भूल कर भी कांच के सामान को आप न खरीदें। कांच के सामान,
कांच के मूर्तियों को न खरीदें, कांच के मूर्ति लाकर धनतेरस में आप पूजा न करें, ये शुभ नहीं है। तो ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन कांच की मूर्ति न खरीदें, कांच की मूर्ति को लाके अपने घर में पूजा न करें, और कांच का कोई भी सामान धनतेरस के दिन आपको खरीदना निषेध है। धनतेरस के दिन प्रायः मार्केट में प्लास्टिक और पेरिस के भी बने हुए मूर्ति मिलते हैं, तो प्लास्टिक और पेरिस की मूर्तियां खरीदना ये अशुभ संकेत है, ये निषेध है। धनतेरस के दिन भूल कर भी प्लास्टिक और पेरिस की मूर्तियों को आप न खरीदें और न उस मूर्ति की पूजा करें। कुछ नहीं है तो माटी की मूर्ति जो मिलती है उन्हें आप खरीदें। कांच की मूर्ति, प्लास्टिक और पेरिस की मूर्ति खरीदना पूर्ण निषेध है धनतेरस के दिन, और उसकी पूजा करना पूर्ण निषेध है। ये ध्यान देने की बात है कि भूल कर भी कांच की मूर्ति न खरीदें, प्लास्टर और पेरिस की मूर्ति न खरीदें, ये खरीदना आपके लिए कहीं से शुभ नहीं होगा। यहाँ तक कि धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और नित क्रिया के बाद प्रभु को याद करें, अब पूरे दिन आपको सोना नहीं है, यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें उसके बाद आपको बिछावन पर जाकर सोना नहीं है, और आपको हर तरह से प्रभु के शरण में रहना है, लक्ष्मी जी के शरण में रहना है, कुबेर जी के शरण में रहना है, धन्वंतरी जी के शरण में रहना है, और उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी है, पूरे परिवार के सफलता की कामना करनी है, और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी है। धनतेरस और दिवाली दोनों में आप ध्यान रखें एक चीज़ को और, कि अपने दरवाजे के सामने जूता न रखें। अपने दरवाजे के सामने भूल कर भी जूता धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन न रखें, इससे माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पाता है। धनतेरस के दिन के पहले ही आप अपने ईशान कोण को, यानी ईस्ट और नॉर्थ कोण को पूरी तरह से साफ कर लें। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात हो जाती है, और हम लोग आर्थिक तंगी में आ जाते हैं, तो इसे ध्यान रखें आप। धनतेरस से ही आप किसी व्यक्ति को भूल कर भी कर्ज न दें। धनतेरस के दिन से लेके पांचों दिन भैया दूज तक आप किसी भी व्यक्ति को कर्ज अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब यहां सवाल पैदा ये होता है कि कोई बहुत नीडी है और मेरे सामने आ चुका है कि हमें कुछ पैसा चाहिए, दिवाली है, तो क्या करें हम? पैसा उन्हें दें, उनकी सहायता करें, लेकिन कर्ज के रूप में उनकी सहायता ना करें, सद्भावना के रूप में उनकी सहायता करें। कर्ज लेना भी धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, भैया दूज के दिन, यानी पांचों दिन धनतेरस से जो पांच दिन का दिवाली का पर्व मनाया जाता है उसमें कर्ज देना, कर्ज लेना उपयुक्त नहीं है। आप किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कूड़ा कचरा, गंदगी अपने घर से पूर्ण रूप से मिटा दें और घर में सफाई का पूरा ध्यान रखें। धनतेरस के दिन एक चीज का और विशेष ख्याल रखें, एक बातों का विशेष ख्याल रखें, कि आपके किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भोजन के बाद उस बर्तन को तुरंत साफ कर देनी है। जूठे बर्तन, जूठा गिलास या जूठे किसी भी तरह का बर्तन न किचन में हो और न ही आपके शयन कक्ष में हो, इस चीज का ख्याल रखना आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। अब मैं धनतेरस में आपको बताता हूं कि कौन सा वक्त सही पूजा का वक्त है और कौन सा टाइम सही पूजा का टाइम है। धनतेरस की पूजा आप संध्या समय 5:37 और 11 सेकेंड से 8 बजे रात्रि के बीच अगर आप करते हैं तो ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है।
ये बहुत ही शुभ मुहूर्त में गिना जा रहा है, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त ये 2 तारीख 2021 के धनतेरस का माना जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्थिर लग्न में आप धनतेरस की पूजा करें तो वृषभ लग्न आपको आ रहा है 6:18 से लेके 8:14 तक। वृषभ लग्न 6:18 संध्या से लेके 8:14 तक आ रहे हैं। आप इस लग्न में विधिवत आप पूजा पाठ करें, आप उपवास करके अगर धनतेरस की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा, कुबेर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन्वंतरी जी की भी पूजा करना आप न भूलें ताकि आपके परिवार के हर सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने धनतेरस के दिन के बारे में आपको बताया जो शास्त्र के अनुसार कहा गया है। आपको दिवाली की मुबारकबाद, धनतेरस की मुबारकबाद, भैया दूज की मुबारकबाद। प्रभु आपको पूर्ण रूप से सुखी रखें, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी जी माँ कुबेर का आशीर्वाद आप पर बना रहे, लेकिन छोटी छोटी बात पर आप ध्यान देंगे। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।